ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी जिला के 1091 पोलिंग स्टेशनों पर हुई वोटिंग। मंडी में अनिल शर्मा तो द्रंग में कौल सिंह ने डाला वोट। चंबा के अंतर्गत आने वाले लक्कड़ मंडी गांव के लोग मतदान को लेकर नहीं है जागरूक। जागरूकता की कमी के चलते नहीं कर पाते मतदान। संधोल के अंतर्गत बहा पोलिंग बूथ में ग्रामीणों ने आयोग की कोशिशों को किया सिरे से खारिज। मतदान का बहिष्कार कर मनरेगा के काम में रहे व्यस्त। और वृद्ध आश्रम बंगरोटू में स्थापित हुआ जिला का सबसे छोटा मतदान केंद्र। 18 बुजुर्गों ने अपनी समस्याओं को लेकर किया मतदान। सोलन में लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता मतदान के लिए सुबह से ही निकलना शुरू हो गए। सुबह से ही कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि सुबह के वक्त थोड़ी ठंड जरूर थी लेकिन मतदाताओं के जोश के आगे ठंड का असर फीका पड़ गया। लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे उत्साह के साथ कतारों में लगकर मतदान करते नजर आए। सोलन में करीबन 122 मतदान केंद्र हैं जिन पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर सबसे पहले मतदाता ने खुशी जताते हुए कहा कि वह सबसे पहले मतदान करने पहुंचे थे और आते ही फूल देकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्र हित के लिए लोकतंत्र के प्रत्येक पर्व में वोट डालते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और अपने देश और प्रदेश के विकास में अपनी आहुति डालनी चाहिए। वोट डालने का तो कुछ ऐसा याद नहीं कि कितनी बारी डाल चुका हूं। जब से 18 साल का हुआ हूं हर बारी जब भी वोटिंग हुई है चाहे वो नगर परिषद के हुई है चाहे वो MLA के लिए हुई है चाहे वो MC के लिए हुई है कैसा भी हुई है हमेशा डालता रहा हूं और बहुत ही अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मैं पहला वोटर था तो मुझे अंदर पोलिंग एजेंट ने एक गुलाब का फूल भी दिया है जिससे और अच्छा महसूस होता है। और ये जो ये है ये मार्क है ये एक अपने आप में एक गर्व महसूस करवाता है कि हमने अपने देश के लिए अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए कुछ किया है। जब मैंने पहला वोट डाला तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं ये खुशी कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये पहली बार हुआ कि हमें एक गुलाब का फूल दिया गया। हम तो अपना जैसे वोट डालने आते हैं वैसे ही आए थे और वोट डालने के बाद मुझे जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने फूल भेंट किया उससे मैं बहुत ही खुश हुई और बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने देखो वोट डालना है तो सबको वोट जो है अपना वोट बहुमूल्य है कीमती है। वोट हमें सबको डालना चाहिए और बहुत ही जरूर डालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 9 नवंबर को मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान प्रक्रिया में बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मत का उपयोग किया। भारत चुनाव आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 9 नवंबर को प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और लोकतंत्र के इस महापर्व में उम्रदराज बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में भाग लिया व अपना मतदान किया। वहीं मंडी शहर से संबंध रखने वाले 90 वर्षीय के नूतन ने कहा कि जनतंत्र हमारा अधिकार है और प्रत्येक मतदाता को वोट करना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे नुमाइंदे का चयन हो सके। उन्होंने कहा कि चुना गया नुमाइंदा देश की भलाई कर सके वह निष्पक्ष रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। यहाँ तक कि मैंने अंग्रेजों का राज भी देखा राजाओं के राज भी देखे और उसके बाद हमें सारी गुलामी के बाद आज़ादी मिली तो जनतंत्र हमारा अधिकार है और वो हर आदमी को करना चाहिए ताकि कोई अच्छे से अच्छा नुमाइंदा हमारे बीच में आए जो हमारे देश की भलाई करे और हमारे जितने भी कार्य हैं उनमें हमें सुविधा मिले। इसके लिए हम चुनते हैं अच्छे से अच्छा हमें विधायक मिले। तो मैं सोचता हूँ कि हर नौजवान को हर व्यक्ति को इस चुनाव में भाग लेना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा आदमी आए और वो भ्रष्टाचारी ना हो ईमानदार हो देश के प्रति ताकि देश तरक्की करे। वहीं बुजुर्ग महिला ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे 98 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं और चलने में असमर्थ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है।
उन्होंने सभी मतदाताओं से वोट करने का आह्वान किया ताकि लोकतंत्र की गरिमा को अक्षुण बनाए रखा जा सके। वोट देने आए हैं और उम्र 2 साल कम ही 100 रहे उन्हें 98 साल उम्र हो गई। जो लोग मतदान नहीं करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? करना चाहिए, जितना करो उतना ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मनाली में भी मतदान को लेकर सभी में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हिमाचल में पहली बार वीवीपैट मशीन से करवाए जा रहे मतदान को लेकर भी मतदाता उत्साहित दिखे। मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। पहली बार मत का उपयोग कर रहे युवा भी खासे उत्साहित दिखे। वहीं मतदाताओं ने वीवीपैट मशीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इस बार पूर्ण पारदर्शिता बरती जा रही है। नया प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। जब पहले जो मशीन चला करती थी उसके ऊपर जब कुछ लोगों ने उंगलियाँ उठाना प्रारंभ किया तो वीवीपैट पर अब ये प्रयोग हुआ है, लेकिन अच्छा है और आसान है। और जब भी कोई मतदाता अपना जो बटन दबाता है तो वह 7 सेकंड तक जो अपना वोट भी देख पाता है और उसको इस बात का संतोष होता है कि जहाँ पर मैंने दिया वो एक अच्छा प्रयोग है और ये अपना मतदान करके आ रहे हैं तो इसलिए एक अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छी बात। परिषद के सभी लोग जो है यहाँ पर अपना मतदान देने आए हुए हैं और सभी का सहयोग जो है बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर वोट को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट है सब में और निर्वाचन आयोग द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है काबिले तारीफ है और बहुत शांतिपूर्वक जो है यहाँ वोटिंग हो रही है और हमारे नगर परिषद और ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने भी अपना वोटिंग जो है वो कर दिया है। अभी यहाँ ये लोगों की गलत धारणा है। मेरा तो ये कहना है कि जो भी पार्टियाँ कहती हैं कि ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी आती है या वोट दूसरी जगह चला जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि ईवीएम मशीन जो है वो ना कांग्रेस ने बनाई ना बीजेपी ने बनाई, वो चुनाव आयोग ने बनाई हुई है और ईवीएम मशीन में बिल्कुल फेयर जो है वो वोट जाता है। और अब जो है कई पार्टियों ने चैलेंज किया चुनाव आयोग को कि ईवीएम मशीन में रवेरी होती है, लेकिन चुनाव आयोग में खुली अदालत लगी, उसमें कोई भी आदमी जो है ये सिद्ध नहीं कर पाया कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी होती है। निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी लगी। डबल चेकिंग है, अंगूठे पे भी की भी निशान लगाया जा रहा है, उंगली पे भी निशान लगाया जा रहा है और उसके बाद सिग्नेचर भी हो रहे हैं। और जो ये वीवीपैट की मशीन लगी है ये भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने शुरू की है, तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ी होने के चांस। सोलन विधानसभा क्षेत्र में 102 वर्षीय रामेश्वरी देवी वोट डालने दिल्ली से सोलन पहुंची। वहीं एक अन्य वरिष्ठ नागरिक 92 वर्षीय सुदर्शन अंसल ने भी मतदान प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। इनके जज्बे को देखकर वहां मौजूद सभी मतदाताओं ने उनकी तारीफ की। वहीं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी वोट डालने में किसी से पीछे नहीं रहे। विधानसभा चुनावों में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां युवा अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे वहीं वरिष्ठ नागरिक वोट देने के लिए खास तौर पर पहुंचे थे। सोलन विधानसभा क्षेत्र में 102 वर्षीय रामेश्वरी देवी वोट देने दिल्ली से यहां पहुंची। वहीं एक अन्य वरिष्ठ नागरिक 92 वर्षीय सुदर्शन अंसल भी वोट देने पहुंचे। इनके जज्बे को देखकर वहां मौजूद सभी ने उनकी तारीफ की। वहीं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी वोट डालने में किसी से पीछे नहीं रहे। रामेश्वरी देवी ने सबसे पहला वोट जवाहरलाल नेहरू के समय में दिया था। उम्र के इस पड़ाव में उनका कहना है कि वोट मांगने सभी पार्टियों के प्रत्याशी आ जाते हैं किंतु जीतने के बाद किसी प्रकार की मदद नहीं करते। उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक सरकार की ओर से पेंशन तक नहीं मिली है। उनका कहना था कि सरकार से भले ही मदद मिले न मिले लेकिन वोट तो देना ही चाहिए। किया किसने कुछ नहीं कुछ नहीं कर ना पूछा वोट ने टाइम आते हैं जी 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 वोट ले जाते हैं चल मेरे भाई मुड़ कर कोई नहीं पूछ हमारा तो कुछ नहीं करा हम तो सारी जिंदगी मजदूरी करी तो रोटी खाई वोट तो जिसका खाया वोट तो देनी पड़ी चाहे मजबूरी देती चाहे जिस कोई ना पेंशन है ना कुछ ना पेंशन है ना ठिकाना में। इन लोगों के जज्बे को देखकर इन राजनीतिक पार्टियों को विचार अवश्य करना चाहिए और वोट की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के हित में अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018 में छठी कक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
बता दें कि इस परीक्षा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन के अतिरिक्त ऑफलाइन माध्यम का भी प्रावधान किया गया है। अभिभावक या अभ्यर्थी आवेदन पत्र उक्त ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2017 तय की गई है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। गुप्ता शॉल इंपोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इंपोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ मंडी टाउन, संपत्ति देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रिकॉग्नाइज्ड बाय HP गवर्नमेंट एंड HP नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, अप्रूव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। एडमिशन स्टार्ट फॉर BSc नर्सिंग ड्यूरेशन 4 ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 मेडिकल विद 45%। फ्यू सीट्स आर वैकेंट इन स्टेट कोटा। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स। सो प्लीज कॉन्टैक्ट संपत्ति देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BPO बिजनी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। सार्वजनिक सूचना, सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2017-18 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं की परीक्षा पास करने जा रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018 में 6ठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 अप्रैल 2018 को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन ही होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2017 तय की गई है। आवेदन पत्र प्रत्येक गांव में जनसंपर्क, लोक मित्र केंद्र अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में स्थापित केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही जमा करवा सकते हैं। अतः अभिभावकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले अपने पुत्र पुत्री का पंजीकरण नजदीकी जनसेवा केंद्र में करवाकर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहयोगी जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह की सेवाओं का लाभ उठाएं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग शत प्रतिशत चुनाव के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था, वहीं जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में तहसील संदोल के अंतर्गत वहां पोलिंग बूथ आयोग की कोशिशों को सिरे से खारिज कर रहा है। इस बूथ के अंतर्गत आने वाले लोग इस पर वोट डालने नहीं गए। इन लोगों का मानना है कि हमेशा ही यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा है। कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों के नेताओं ने यहां के लोगों को हमेशा सिर्फ वोट तक ही सीमित रखा और कोई विकास नहीं करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि कोटवा नेरी बाया चतरोन सड़क 20 साल पहले बनी थी, जो आज दिन तक पक्की नहीं हुई, जबकि पिछले चुनावों में दोनों पार्टियों ने 3 महीने में इसे पक्का करने का इरादा इन गाँव के लोगों से किया था। इन लोगों का कहना है कि बरसात या हल्की सी बारिश में सड़क पूर्णतः बंद हो जाती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और खासकर गर्भवती स्त्रियों व बीमार लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बता दें कि जहां आयोग लोगों की सहूलियत के लिए छुट्टी का प्रावधान करता है, वहीं सेट गांव में लोग मनरेगा के काम में व्यस्त रहे। अन्य गांव कंद्रो, प्रां, सेट चतरोन व मसूद गांव के लोग भी अपने अपने घरों में निजी कामों में व्यस्त दिखे। इस बूथ के अंतर्गत आने वाले लोग इस बार वोट डालने नहीं गए। रिपोर्ट के चैनल। चंबा जिला में मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए जहां निर्वाचन आयोग ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी, वहीं जिला चंबा में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के लोग, खासकर ज्यादातर महिलाएं, अभी भी वोट डालने को जागरूक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह गए लेकिन कभी वोट नहीं डाला।
इसका सबसे बड़ा कारण था कि इन ग्रामीणों को अपने मत के अधिकार को लेकर जागरूक करने वाला कोई नहीं था। जागरूकता की कमी के चलते ना जाने कितने लोग कभी भी अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह सब भले ही भारत के निवासी हो मगर देश के लोकतंत्र में अपनी सहभागिता नहीं दिखा पाते। डलहौजी के लक्कड़ मंडी के गांव की महिलाओं के लिए आज का दिन रोजाना की तरह गुजरा। ये लोग मतदान करने नहीं गए क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस गांव की महिलाओं को जागरूक करने नहीं आया। एक ओर जहां चुनाव आयोग मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस गांव में ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको वोट डालने के लिए जागरूक नहीं किया गया, जिनकी आज तक किसी ने सुधी नहीं ली। आपका वोट बना हुआ है? बना हुआ जी। फिर डालने नहीं गए? घर में काम है जी, बच्चे है देखने के लिए, जब नहीं है। तो वोट डालने जाना भी नहीं? जाना भी है, कहाँ जाना भी, बच्चे देखने के लिए जी, घर में काम है हमारे को। आपका वोट बना हुआ? हाँ जी। डालने नहीं गए? नहीं। क्यों? बच्चे छोटे छोटे भैया, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई कहने आया था कि वोट डालने जाओ? किसी ने नहीं कहा कि वोट डालो? नहीं। आपको शौक है वोट डालने का? नहीं। क्यों? क्या बना है हमारा वोट डालकर? कुछ नहीं बना, कोई शौक नहीं हमको, कुछ बनेगा तभी तो डालेंगे। प्रशासन द्वारा कोई यहाँ पे सुविधाएं वगैरह नहीं मिलती आपको? नहीं। तो क्या चाहते हैं प्रशासन के तरफ से आप? हम तो चाहते हैं हमारे मकान पक्के हो जाए और हमको यहाँ जगह भी हमारे नाम हो जाए, तभी हम वोट डाले जाएंगे फिर। आप वोट बनाओ आपका? जी। डालने नहीं गए वोट? नहीं। डालने जाना वोट? नहीं। क्यों? नहीं जाएंगे, उनका घर वाले पक्के नहीं, अभी बच्चे छोटे छोटे कौन देखेगी। तो प्रशासन की तरफ से कोई आपको बताने नहीं आया कि वोट डालने जाना? नहीं, बिल्कुल शौक नहीं वोट डालने का? नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके घर वाले पक्के हो जाएंगे तब जाएंगे वोट डालने। कोई सुविधा वगैरह कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ मिलती है आपको? नहीं। कुछ भी नहीं मिलता? नहीं। आप वोट बनाओ आपका? हाँ जी बनाओ। डालने नहीं गए? डालने इसलिए नहीं गई कि हमें बहुत दूर पड़ता है, हमारे बच्चे घर में छोटे, अंधेरा हो जाता है, फिर वहाँ पर चढ़ाई वो ज़्यादा है, इसलिए हम बच्चों की देखभाल कौन कर गया, इसलिए हम इसलिए दूर से हम नहीं गए वोट डालने। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र के भंगरोटू में बल वैली वृद्ध आश्रम में जिला का सबसे छोटा मतदान केंद्र बनाया गया था। यहां पर कुल 18 बुजुर्ग रहते हैं जिन्होंने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने इस बार ऐसी सरकार को चुनने के लिए वोट किया जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। यहां पर रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि उनमें से कई लोग अपंग हैं और उन्हें आश्रम की छत तक जाने के लिए लिफ्ट तक की सुविधा नहीं मिल पाई है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले रही सरकारों से कई बार इस समस्या के बारे में आग्रह किया लेकिन आज तक बजाय आश्वासनों के उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। इस बार जिला के सबसे छोटे मतदान केंद्र के मतदाताओं का कहना है कि सरकार सभी की सुनने वाली हो। सरकार तो ऐसी बननी चाहिए जो सबकी मदद हो और सबकी सुने, और जो हमारे आश्रम में है उनको तकलीफ ना हो। कई लंगड़े हैं, कोई ऐसे बेचारे अपंग है सारे, तो इसलिए भैया हम सरकार ऐसे चाहते हैं जो हमारी सुने। हमने ये मतदान जो किया है सरकार बनाने के लिए किया है और हमारे यहाँ ब्लॉक आश्रम भंगरोटू में हमें कुछ प्रॉब्लमें आती है, इसलिए हम सरकार बना रहे हैं दोबारा कि सरकार कुछ ना कुछ करे हमारे लिए। दे जो सरकार बने वो भी देती है, ऐसे आगे भी बनेगी तो अगली सरकार से बनेगी, उससे हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि बूढ़ों को कोई परेशानी ना आए। हमें बड़ी परेशानी है, जैसे कि हम लंगड़े अपंग हैं, कुछ भी अगे हैं तो हमको सराय पे जाने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने छोटी सी एक लिफ्ट मांगी थी राजा साहब से भी, तो उन्होंने कहा था पता नहीं अब क्या, अब तो दूसरी बार इलेक्शन लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार बने तो हमारी इस लिफ्ट को लगा दे, कुछ हमारी मदद करे। बता दें कि भंगरोटू स्थित बल वैली वृद्ध आश्रम में मतदान की प्रतिशतता 100% रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।